हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का सारा सब्जेक्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है एंड क्लास 12th वाले बच्चों का अभी तक एग्जाम ऑन गोइंग है, उसी के बीच जो आपका कॉपी चेकिंग है प्यारे बच्चों, वो कब का स्टार्ट हो चुका है, तो मैं इंटरनल कॉन्फिडेंशियल अपडेट लेकर आ चुका हूँ कि जो टीचर आपके कॉपी चेक कर रहे हैं उसके बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाया जा रहा है, बच्चों ने कैसा अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, बच्चे को मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है या फिर खराब है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा नेगेटिव साइड में अपडेट है, बट जो भी है वो एकदम ट्रूथ है, सच्चाई है। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, बट उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये कॉन्फिडेंशियल अपडेट के लिए। तो प्यार बच्चों, हेडलाइन क्या है कि जो टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं वो आपकी कॉपी से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th वाले बच्चों का क्या सीन हो रहा है कि उन्होंने क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, वो डायरेक्ट प्रमोट होके क्लास 12th में आ गए हैं। तो उस केस में क्या होगा, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। द रीज़न इज़ रीज़न ये प्यारे बच्चों, क्योंकि उनको कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिसके कारण वो 12th में उतना अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम का पहले कोई भी आइडिया नहीं था। तो जिसके कारण जो यहाँ पर देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि पहले अराउंड 50% बच्चों का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, बट इस बार ये चीज़ गिर कर अराउंड 30% हो गया है, यानी 20% रिजल्ट खराब हो गया है लास्ट ईयर्स के कंपेयर में, जो कि टीचर्स इंटरनली जो कॉपी को चेक कर रहे हैं उन्होंने अपडेट किया है, जो एक बिल्कुल भी अच्छा निशानी नहीं है प्यारे बच्चों। एंड आई नो कि आप लोगों का पहला बोर्ड था, पहला बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता, नया इन्वायरमेंट होता है, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम हुआ है बच्चों के लिए, तो रिजल्ट में लास्ट ईयर के कंपेयर में गिरावट हुआ है, ये बात को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक और चीज़ सामने आया है, वो ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में 100 से 150 वर्ड्स में आंसर को लिखने के लिए बोला गया है, बच्चे वहाँ पर ओनली 50 वर्ड्स में ही आंसर को लिख के आ गए। तो प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 20% वर्ड लिमिट चलता है, बट इतना सीधा आप आधा से भी आधा कर दीजिएगा ये अलाउड नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपने किया है कि 150 वर्ड्स में बोला, आपने 50 वर्ड्स में लिख के आया है, तो थोड़ा सा मार्क्स वहाँ पर कटेगा, क्लियर है। उसके बाद टीचर ये भी बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अरे भाई, सीबीएसई खुद बोला है कि केस स्टडी में कोई बच्चे को 0 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, अटेम्प्ट भी किया है मार्क्स दिया जाएगा, तो बच्चे ने केस स्टडी भी अटेम्प्ट नहीं किया है। और ये क्लास 10th वाले में बच्चों की भी बात कर रहा हूँ एंड 12th वाले को भी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अराउंड 65% स्टूडेंट ऐसे है जिन्होंने केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर दिया है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया है, बट बहुत कम वर्ड्स में निपटा दिया है, यानी जो टीचर है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका अच्छा गया तो नो डाउट अच्छा ही गया है, 20-30% बच्चों का अच्छा भी गया है, बट यस, जो 20% ड्रॉप देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय है एंड डेफिनेटली सीबीएसई को इसके बारे में सोचना चाहिए, इंटरनल बोनस इंटरनल मॉडरेशन का यूज करना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो विलेज वाले बच्चे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि वो उतना मोबाइल का यूज नहीं कर पाते हैं, नेट का फैसिलिटीज़ नहीं होता, मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, जिसके कारण वो ऑनलाइन यूज नहीं कर पाए पढ़ाई का, जिसके कारण स्पेशली विलेज वाले बच्चों का काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है उनके परफॉर्मेंस में। तो प्यारे बच्चों, ये था थोड़ा सा इंटरनल ऑब्जर्वेशन, क्लास 12th वाले बच्चों का इसलिए ड्रॉप है क्योंकि उन्होंने 10th बोर्ड दिया ही नहीं था, डायरेक्ट वो
पास हो गए थे बिना एग्जाम दिए, एंड टेंथ वाले बच्चों का क्या है, उन्होंने भी लास्ट 2 साल अपना ऑनलाइन में ही काटा हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट यस, क्लास टेंथ वाले बच्चों का रिजल्ट क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के कंपेयर में काफ़ी अच्छा है, ये टीचर ने कॉन्फिडेंशियली अपडेट किया है। तो दोस्तों यही था आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेना है, CBSE इंटरनल मॉडरेशन करता है, मार्क्स को मेंटेन करेगा क्योंकि उसका बोर्ड का रेपुटेशन को मेंटेन करना पड़ता है, तो आपको मार्क्स दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो टीचर से वो डेफिनेटली आपके कॉपी को लीनियंट वे में चेक कर रहे हैं, सो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो एकदम भी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।